उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा सहारनपुर नगर निगम नगर आयुक्त व महापौर को सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी संघ ने नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासनादेश अनुसार नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुभव में कार्य कुशलता के आधार पर सफाई नायक बनाने का अनुरोध किया। मंडल अध्यक्ष अनु बिरला ने विशेष तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पर प्रोन्नति नहीं रोकी जाए, यदि ऐसा किया गया तो उस स्थिति में संघ सभी कर्मचारियों के हितार्थ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम व नगर निगम के अधिकारियों की होगी। शिक्षित होने व वर्षों से सफाई कर्मचारियों के पद पर कार्य कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार उन्नति की जाए। मंडल अध्यक्ष अनूप ने कहा कि किसी भी रूप में प्रोन्नति के प्रकरण को रोका ना जाए। प्रोन्नति के प्रकरण से शिक्षित कर्मचारियों में नई सोच विचारों का वाहन कर नगर को पहले से भी सुंदर स्वच्छ एवं स्वच्छ वातावरण बनाने का कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में योग्यता अनुसार प्रक्रिया होती है, वैसे ही संघ भी चाहता है कि योग्य कर्मचारियों को भी शासनादेश अनुसार उनकी शैक्षिक योग्यता कार्य कुशलता अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा एवं साक्षरता के आधार पर चयन किया जाए, जिसमें नगर की स्वच्छता एवं स्वच्छ बनाने में योग्य कर्मचारी अपनी आधुनिक सोच के साथ सफलतापूर्वक नगर की शोभा बढ़ाने में कार्य कर सकें। यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पर किसी प्रकार के दबाव में न आकर इस कार्य को रोका गया तो संघ के साथ साथ शासनादेश का भी उल्लंघन होगा। प्रोन्नति प्रकरण को रोका ना जाए और अति शीघ्र संपन्न किया जाए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनु बिरला, मुख्य सलाहकार विश्वास प्रधान, मंडल महामंत्री चांद भारती, मंडल कोषाध्यक्ष चौधरी तिलक राज, जिला अध्यक्ष राहुल, जिला महामंत्री अमित कुमार शिव, जिला सचिव संजय बिरला, सुपरवाइजर जिला उपाध्यक्ष सतीश लोन, सुपरवाइजर आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद सहारनपुर से जुल्फान अली की रिपोर्ट। जी सर, ये आपने जो विज्ञापन दिया है महापौर को किस में दिया है? आज हमने जो ज्ञापन दिया है, एक तो सफाई कर्मचारी जो हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनको सैलरी कम मिल रही है, उसको लेकर दिया है। और जैसे कि नगर निगम में प्रमोशन को लेकर जो घपलेबाजी चल रही है, जैसे प्रमोशन रुकवाने की बात चल रही है, जैसे कुछ असमझ तत्व अधिकारियों को धमकाकर इनको उनको प्रमोशन को रोकने का काम कर रहे हैं, हम अपने संघ के आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो प्रमोशन है उनको प्रमोशन को लगातार चलते रहना चाहिए, बिल्कुल भी रोका नहीं जाना चाहिए। अगर वो रुक गया तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे आ जाएगा और भ्रष्टाचार ऐसा चरम पे आएगा कि जो हमारे आला अधिकारी हैं फिर उनको भी हमें क्या वो लपेटना पड़ेगा। तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने यहाँ पर प्रमोशन हो रहे हैं उन प्रमोशन को रोका भी ना जाए, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और उसके बाद भी शासन आदेश अनुसार 365 रुपये का जो जीव आया है उसके हिसाब से इनको सैलरी दी जाए, बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। जो सहारनपुर के अंदर जो नगर निगम के अंदर जो सफाई कर्मचारियों को वेतन बहुत ही कम दिया जा रहा है, श्रम विभाग के जो के अनुसार इनका वेतन कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए था, और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इनका वेतन सिर्फ 8,200 या 9,000 के समथिंग इन्हें दिया जा रहा है। हम ये आशा करते हैं कि यहाँ के अधिकारी लोगों से कि इनका वेतन 15,000 रुपये किया जाए, ठीक है। 7,000-8,000 में इन लोगों को गुजारा नहीं होता, जिन लोगों का 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, इनका 7-8 में गुजारा कैसे हो रहा है? दूसरी बात, जो सुपरवाइजर यहाँ से जो बन रहे हैं, जो सुपरवाइजर नगर निगम घूम रहे हैं, योग्यता के अनुसार सुपरवाइजर लागू होती वही बनना चाहिए। 5वीं क्लास 6वीं क्लास वाले सुपरवाइजर नहीं बनना चाहिए, उसे कर्मचारी ही रहने दो। जो कर्मचारी समाज का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसके आधार पर सुपरवाइजर नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। भ्रष्टाचारी इतनी फैली हुई है कि अभी प्रमोशन को लेकर यहाँ पर जो प्रमोशन हो रहे हैं सफाई कर्मचारियों के, जो प्रमोशन होते हैं उनको लेकर हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए नगर साहब और महापौर साहब को, और ये कहने आए हैं कि जो प्रमोशन हो रहे हैं उन सुचारू रूप से चला जाए, क्योंकि इस प्रमोशन को रोक कर यहाँ पर घोटालेबाजी और ये चीज़ चलने का हमें आशंका है, क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है कि पैसे दो और काम कराओ, हम ये चाहते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर ये काम बिल्कुल बंद करा जाए। और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वो भी कुछ आला अधिकारी के बारे में कहना चाहेंगे।
जैसे कि यहाँ से हमें पता चला है सहारनपुर के अंदर के जो अधिकारी लोगों को जो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि कर्मचारी इकट्ठा करके आंदोलन चेतावनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सहारनपुर के नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो अपना काम बंद करे, सच्चाई रूप से सभी को एकजुट रह के सभी एक लोग काम करे, ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कहीं भी, कहीं तरह की जितना भी गुंडागर्दी चल रही है अधिकारियों के पैसे लेकर जो काम करना चाह रहे हैं अब वो काम बिल्कुल बंद करें। वो अब कहीं से कहीं तक भी गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे, संघ नहीं चलने देगा, ठीक है, धन्यवाद। जो जिस प्रमोशन को हम लेके आए हैं यहाँ पर, जैसे प्रमोशन सुचारू रूप से हो गए हैं, लिस्ट भी लग चुकी है यहाँ पर प्रमोशन की, हम चाहते हैं कि वो प्रमोशन हो जाए। अगर वो प्रमोशन रुक गए हैं तो उस प्रमोशन के पीछे घोटलबाजी और धोखाधड़ी और पैसे की वसूली का काम चलेगा, जो कि संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम नगराज साहब और महापौर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और आप लोगों से मीडिया से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हम लोगों का सहयोग करें, जिससे कि यहाँ भ्रष्टाचारी जो चरम पर चल रही है वो खत्म हो जाए। धन्यवाद।